आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं भारत के संविधान में भारत के प्रेसिडेंट को कौन कौन से मेजर पावर्स दे रखे हैं। What is your experience? Which was easier to manage? Let me complete. You don't have this habit. I am sorry to tell you and remind you. You are interfering the former president. Please have the necessary cuts. Don't interrupt. फर्स्टली दोस्तों, इंडिया के हिस्ट्री में प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को इंडिया का अब तक मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट माना जाता है एंड प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल को अब तक का मोस्ट करप्ट प्रेसिडेंट माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने प्रेसिडेंटियल पावर का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल डू सॉलेमली अफर्म प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। कोर्ट ने जिन क्रिमिनल्स को डेथ पेनल्टी दे रखा है, प्रेसिडेंट चाहे तो उन क्रिमिनल्स को माफ करके उनका सजा माफ कर सकते हैं। इसी पावर का यूज करके प्रतिभा पाटिल ने 35 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स का सजा माफ किया है, जिसमें 15 से भी ज्यादा क्रिमिनल्स ने संगीन अपराध कर रखा है। कुछ ने तो जेल के अंदर सजा काटते वक्त सफाई कर्मचारियों के साथ भी घिनौना काम किया है। इसके अलावा प्रतिभा पाटिल के भाई गजेंद्र सिंह के ऊपर मर्डर चार्जेस है एंड उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके भाई के ऊपर चल रहे सभी केसेस अचानक से डिसमिस हो गए। जहां प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने विदेश भ्रमण का खर्चा अपने सैलरी से ही बियर किया था, वही प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने अपने कार्यकाल में विदेश भ्रमण के लिए सरकारी फंड से लगभग 205 करोड़ रुपए खर्चा किया है। ऊपर से उनके साथ उनके रिश्तेदारों का एक झुंड भी घूमने जाता था, वो भी सरकारी खर्चे पे। इसके अलावा प्रतिभा पाटिल को दूसरे देशों से एज ए प्रेसिडेंट जो गिफ्ट्स मिले थे वो प्रतिभा पाटिल ने अपने घर पे रखवा दिया था, लेकिन बाद में जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बने तब उनके आदेश से प्रतिभा पाटिल को सभी गिफ्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस रिटर्न करना पड़ा। ऊपर से प्रतिभा पाटिल ने अपनी प्रेसिडेंटियल पावर का यूज करके पुणे में 2.5 लाख एकड़ का जमीन हड़प लिया था। इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला ये जमीन आर्मी जवानों के विधवा पत्नियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट करके रखा था, बट एट द एंड गवर्नमेंट के दबाव के बाद प्रतिभा पाटिल को यह जमीन छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास देश में इमरजेंसी लागू करने का पावर भी होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो देश में कभी भी लॉकडाउन लगवा सकते हैं। इंडिया में फर्स्ट इमरजेंसी घोषित किया गया था 1962 में, जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। इसके बाद 1971 में इंडो पाक वॉर के टाइम, इसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी के ऊपर इलेक्शन में फ्रॉड करने का आरोप लगा था। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट चाहे तो वो इंडिया के किसी भी स्टेट को अपने रूल के अंडर ले सकते हैं, जब उस राज्य में भारी मात्रा में दंगे हो रहे हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर स्टेट में अपना मेजोरिटी प्रूफ ना कर पाए। लास्टली, प्रेसिडेंट इंडिया में कुछ इंपोर्टेंट पोस्ट को भी अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट मेनली इलेक्शन कमीशन के हेड, डिफेंस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेड को भी इंडियन प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा देश के प्राइम मिनिस्टर को देश के प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और बाद में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ सलाह करके ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए मंत्रियों को नियुक्त करते हैं।